नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद फाइनली उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 20 सितंबर 2020 को होने वाला है, उसके प्रवेश पत्र देख सकते हैं आप जारी हो गए हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रवेश पत्र आपको कैसे डाउनलोड करना है और साथ ही साथ आपको बताऊंगा जो कोविड का इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको इसका लिंक कहाँ पर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका लिंक यानी कि डाउनलोड एडमिट कार्ड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो फिर आप रोजगार रिजल्ट .com पे मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रोजगार रिजल्ट .com ट्रस्टेबल जेन्युइन और बहुत ही पुरानी वेबसाइट। आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे डाउनलोड करने पे। दोस्तों हमारी दूसरी वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट .com। दोस्तों गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिएगा .com जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपके मोबाइल लैपटॉप कहीं पर भी सरकारी रिजल्ट खोलिए तो सबसे पहले चेक कीजिए उसमें .com लगा है कि नहीं, अगर नहीं लगा तो नकली और फेक वेबसाइट है। तो सीधा हम चलते हैं यूपीसी एडमिट कार्ड पे, क्लिक कर देता हूँ। आपको अपना जो अपना फॉर्म निकाल लेना है जिसमें आपने फॉर्म भरा था। आपको बता दूं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दो सिस्टम है। पहला सिस्टम तो ये है कि आपको यूजी और पीजी में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका कोर्स है। मान लीजिए आपका यूजी कोर्स है तो मैं यूजी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यूजी पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं जैसे ही यूजी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यूजी का कोर्स आ जाएगा। इंटीग्रेटेड जो लोगों ने भरा है फॉर्म यानी 5 ईयर वाला MBA MCA, उनको भी इसी में डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी पिन डालना है। दोस्तों जो लोग अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं या उनको अपना फॉर्म नहीं मिल रहा है तो वो भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर है, इसमें नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर दोबारा जो है जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास फॉर्म नंबर है, मैं एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, साइन इन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे आप साइन इन करेंगे आप देख सकते हैं आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां से आप इसका कंफर्मेशन पेज भी डाउनलोड कर सकते हो। उसी के ठीक नीचे दे रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर पेपर 1। जिन लोगों ने पेपर 2 वगैरह के लिए भी अप्लाई किया है उनके अलग अलग एडमिट कार्ड के यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं। तो मेरा कैंडिडेट का पेपर 1 है, हम पेपर 1 पे क्लिक करते हैं। आपको बता दो अगर आप इसको मोबाइल पे डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में PDF व्यूअर होना चाहिए। अगर आप इसको लैपटॉप वगैरह में कर रहे हैं तो PDF व्यूअर होगा तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। तो अब एडमिट कार्ड दिखाता हूँ आपको। दोस्तों जैसे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे देख सकते हैं इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। यहाँ पे बारकोड शो करेगा, आपका रोल नंबर शो करेगा, आपका पेपर का जो कोर्स है वो शो करेगा, कैटेगरी शो करेगी, आपके यहाँ फोटो है, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें शो करेगा। अगर हम बात करें कोविड के इंस्ट्रक्शन की तो आप देख सकते हैं इसमें यानी पेज के नीचे जो है इसमें साफ साफ दिया हुआ है, कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो 60 मिनट बिफोर यानी कि 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है और कंप्लीट द वेरिफिकेशन एंड थर्मल स्कैनिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर यानी कि वहां पे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो जो है आपका चेक किया जाएगा 30 मिनट पहले जो है। आप देख सकते हैं सारे रूल्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ इसमें जो दिया हुआ है कि जो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है बिल्कुल ही क्लियर प्रिंट आउट पे लेके जाना है, पेन का भी दिया हुआ ब्लैक या ब्लू के डॉट पेन ही लेके जाने, यूज एमआरसी करेक्शन फ्लूड इरेजर फॉर फॉरबिडनर साफ साफ दिया हुआ है, इसको आप पूरी अच्छी तरीके से देख सकते हो। साथ ही साथ जो चीज इन्होंने बोल्ड करके दिए देख सकते हैं कॉलम नंबर 10 11 और 12 जो है बोल्ड है। 10 नंबर पे दिया है कि आपको मास्क हर समय पहने रहना है और सैनिटाइजर स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल यानी कि जो व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट कलर का जो सैनिटाइजर आता है मैक्सिमम 50 ml का वो आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। पानी की बोतल ले जा सकते हैं लेकिन पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई भी स्टिकर या लेबल नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने दिया है 2 मीटर जो बिटवीन सोशल डिस्टेंसिंग उसको भी जो है पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपना एक ID प्रूफ लेके जाना है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब लेके जाना है। इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो ये इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।